मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में कैद अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येन जैन के मजे चल रहे हैं। सत्येन जैन को जेल में मिल रही वीआईपी ट्रीटमेंट के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। वीडियो से साफ है कि किस तरह सजा के नाम का मजाक हो रहा है। कुल मिलाकर 3 वीडियो सामने आए हैं जो 14 सितंबर और 21 सितंबर 2022 के हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सत्येन जैन अपनी बैरक में बिस्तर पर लेटे हैं। उनके साथ 3 लोग हैं, कोई उनके हाथ दबा रहा है तो कई पैरों की मसाज कर रहा है। एक शख्स ऐसा है जो तीनों वीडियो में दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी सत्येन जैन की सेवा में 24 घंटे के लिए लगाया गया हो। सत्येन जैन के जेल में मजे करते वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने केजरीवाल पर तंज कसा है। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल के हवाला, कारोबारी जेल मंत्री जेल में मसाज का आनंद लेते हुए अब तो सबूत पर्याप्त होंगे। क्या ठग सुकेश से इसके लिए ही वसूली की थी? दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लिखा, आम आदमी पार्टी ने कानून की क्या खूब धज्जियां उड़ाई। देखिए कैसे हवाला मामले में सत्येन जैन तिहाड़ जेल के अपने गुर्गों के साथ मौज कर रहे हैं, बड़े आराम से पांव दबा रहे हैं। इसलिए ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं करते अरविंद केजरीवाल, ताकि जेल से धंधा चलना ना बंद हो जाए। भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने ट्वीट में लिखा, ओह तभी कहूं कि अरविंद केजरीवाल बार बार क्यों कहते हैं, हमें जल जाने से नहीं डरना है। सत्येन जैन के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा गुजरात चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। केजरीवाल ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते रहते हैं और उनके मंत्रियों का ऐसा चाल चरित्र उजागर हो रहा है।